तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्र परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की खबर बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। हम सभी फौजी भाइयों को इस खबर के द्वारा एक सतर्कता का सबक लेने की जरूरत है। खबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट गिरफ्तार। आर्मी ऑफिसर बनकर मिलिट्री स्टेशनों की तस्वीरें कर रहा था साझा। तो देखिए दोस्तों, किस हद तक ये नेटवर्क चल रहा है और किस हद तक आगे बढ़कर ये लोग खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं। आप सभी को इससे सतर्क होने की जरूरत है। किसी पर भी किसी प्रकार का भरोसा ना करें और किसी को अपने फौजी कैंप और फौजी के बारे में जानकारियां ना दें। केंद्रीय क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार को बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो आर्मी ऑफिसर बनकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। यह जासूस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और कई महीनों से सेना की खुफिया जानकारी ISI को पहुंचा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में की गई है, जो भारत में खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर रह रहा था। अब ये आदमी कौन है, इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्रॉपरली ये आर्मी ऑफिसर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी ऑफिसर है और ये इंडियन आर्मी की फौज की सारी जानकारियां लेकर पाकिस्तान को दे रहा था। केंद्रीय क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सामने आया है कि जितेंद्र कुमार व्हाट्सएप के माध्यम से ISI के संपर्क में था और उसने इसी माध्यम से कई सैन्य गतिविधियां, फोटोग्राफ व खुफिया जानकारियां ISI को पहुंचाई थी। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी जितेंद्र सिंह की ओर से बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन की तस्वीरें लगातार ISI को साझा की जा रही थी। इसके अलावा आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की जानकारी भी वह पाकिस्तान को भेज रहा था। केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। कई दिनों से खुफिया विभाग जितेंद्र सिंह की गतिविधियों पर नजर बनाए रखा था। तो दोस्तों इस खबर से सबसे बड़ा सबक यह है कि दुश्मन सरहद के उस पार नहीं, बल्कि दुश्मन हमारे आसपास भी घूम रहे हैं और हमें इस बात को भली भांति अपने दिमाग में बिठाना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी डिफेंस की सारी जानकारियों को गुप्त रखना चाहिए और किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यह खबर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस खबर को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को एक बार सतर्कता का मैसेज मिल जाए। और सैनिक मंत्रा परिवार में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।